तो ये बिल्लो रानी आई थी इंडिया के अंदर, जयशंकर जी ने जूते मार के पाकिस्तान भिजा दिया इसको। चले, लेकिन बिल्लो रानी ठहरी पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अपनी औकात ना दिखाए ये कैसे हो सकता है। यूनाइटेड नेशन में जहाँ मोदी जी को ये बूचर ऑफ गुजरात बोल रहा था, इंडिया में आके बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। But the butcher of Gujarat lives and he is the prime minister of India. क्या कह रहा चूतिया? और यहाँ हिंदुस्तान में इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अबे साले, जैसे इसका प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, फिर देखिए भाई साहब, कुत्तों की तरह गुर्राया, कुत्तों की तरह। और कुत्ते देखो सच में भौंकने भी लग गए। अरे बिलावल रुको, अरे बिलावल रुक जाओ, अरे बिलावल तुम्हारी बात हो रही है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बिलावल तुम्हारी बात कर रहा हूँ भाई, ये तो और तेज हो रहा है भाई, बस कर भाई, बस कर कुत्ते बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में जाते ये बोला कि बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो छोड़ो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है, उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। जब वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि हर मुसलमान देशित करते हैं। अबे जाहिलो, आतंकवादी हम पाकिस्तानियों को कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान भी तुम्हारे पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जयशंकर जी से इतनी धुलाई होने के बाद में भी इसको अक्ल नहीं है ये बंदे को, लेकिन ये तो रह गए बेशरम लोग। शर्म नाम की तो इनको कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। शर्म होती तो ये फिर पाकिस्तानी थोड़े ना होता, पाकिस्तानी में गाय की शर्म भाई, ये पक्के पक्के बेशरम है, निहायती बेशरम, बेशरम से भी बेशरम पाकिस्तानियों को देख के शर्मा जाए, लेकिन ये नहीं शर्माएंगे भाई साहब, गेंडे की खाल के बने हुए ही है। बिल्लो रानी ने एक और बात कही कि जब तक 370 और 35 है नहीं हटाएंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात नहीं करेगा। पाकिस्तान का असली मौकफ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शन कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग, जहाँ तक हमारा असली मौकफ है खास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरजमीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर उसका एडवोकेसी किया। अबे जाओ बे भूखे नंगो, तुमसे कौन बात करना चाहता, कौन बात करना चाहता, पता नहीं किसने कह दिया कि हम पाकिस्तान से बात करने को मरे जा रहे हैं, पता नहीं। अरे हिंदुस्तान के हुक्मरानों को छोड़ो, हिंदुस्तान की आवाम तुम पे थूकना पसंद नहीं करती है, इंसानों से नफरत नहीं करते, जो एक सोच है पाकिस्तान की उस सोच से नफरत करते हैं, और वही सोच तुम पाकिस्तानियों को आतंकी बनाती है। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद का कोई गढ़ है तो वो पाकिस्तान है, जननी है आतंकवाद की पाकिस्तान, और जितने भी सिपे सलार घूम रहे ना तुम्हारे, ये सब पाकिस्तान की पैदाइश है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी बिल्लो रानी जी, हमारे जयशंकर जी ने आपको क्या कहा, 370-35 को भूल जाओ, ये बताओ पीओके कब खाली कर रहे हो, वो भाई किराएदार हो तुम, वहाँ पे किराया भी नहीं दे रहे, हमारी जमीन पे कब्जा भी करके बैठे हो, कब खाली कर रहे हो, नोटिस वोटिस भिजवाए तुमको नहीं, या मोदी जी आए टैंक लेके नहीं, ऐसे ही होगा बिल्लो रानी। जो यहाँ तक गए, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो सोशल मीडिया पर ये लिखते गए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वजन क्यों बढ़ गया है, इनको चाहिए कि अपना वजन घटा लें। जो भारतीय वजीर खारजा हैं उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते कह के क्यों उनसे ग्रीट किया, और बिलावल साहब ने भी जो है वो हाथ जोड़ के जवाब क्यों दिया, हालांकि ये उनका रिवायती अंदाज है, तमाम वजीर खारजा को इसी तरीके से ग्रीट कर रहे थे। और जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भूल गए कि ये हमारे अगर सिंध में जाके देखें या साउथ पंजाब में इनफैक्ट देखें तो वहां पर ये बड़ा एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है लोगों को मिलने का, इज्जत देने का। और ये पत्रकार कह रही है कि हमारे सिंध का कल्चर है, अबे तुम्हारे सिंध का कल्चर किधर से आ गया, ये हिंद का कल्चर है, सिंध ही हिंद था, ये हमारा कल्चर है, तुम्हारा कल्चर ये नहीं है, तुम्हारा कल्चर ये है, ये है, ये है। तुमको हाथ जोड़ना नहीं आता, सर फोड़ना आता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तुम्हारा कल्चर नहीं है मैडम, ये हमारा कल्चर है, हलवा पकाओ। और इस चीज की तो मैं मुजम्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन है दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है, और हमेशा भारत यही करता है, और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पर, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहां पर फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं बताना चाहूंगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़ करेंगे हमारे वजीर खारजा, उनके मफादात का तहफ़ करेंगे उनके वजीर खारजा। अब मैं दोनों वजीर खारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वजीर खारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए,
चीन में वो सफीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं, जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका क्लीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे, और दूसरी तरफ उनका उनके मुकाबले में जो हमारे मुफादात का तहफ़ करेंगे, उन्होंने जिंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, एक रुपया नहीं कमाया, वो वजीर खारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मुफादात का क्या ये इक्विप्ड है, क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मुफादात का तहफ़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फलाने खानदान से इसका ताल्लुक है, फलानी जमात से इसका ताल्लुक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी, जी आपका भी कमेंट मैं इस पे चाहूंगी, खास में मौलवी सियासत के हवाले से कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूं, मौला बख्शांडियो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, बड़े एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेचोर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, लेकिन देखिए ना, अब अथर ने बड़ी डिटेल में बताया दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अथर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वजीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ना रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, सिर्फ ये बात हो रही है कि खान को नहीं आने देना, खान नहीं आएगा, अगला वजीर आज़म बिलावल है। ठीक है, ये लिख लें आप मेरी बात, इलेक्शन नहीं होने 2024 से पहले, इलेक्शन नहीं होने, ये आप लिख लें। बिलावल साहब को अगला वजीर आज़म, देखिए मैं कैसे देखूंगा, मेरे पास तो वो वाली आंखें नहीं है कि जिस पे पर्दा हो और मैं कह दूं कि जी ये वजीर आज़म होंगे। लेकिन दिस इज द आयरनी, हमारे यहाँ दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि ये चीजें इतनी, जो हमारा पिवट है, जो मेन है, उस पर घूम रही है, रिवॉल्व हो रहा है कि जनाब छोड़ दें, वो कहां से एक दयानतदार आदमी आ गया, कहां से एक ऐसा शख्स आपने लगा दिया कि जो दुनिया में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करता है, जो कि अब आप देखिए कि इस वक्त हमारा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक क्या हमारे रीजन में चल रहा है, आप सऊदी अरब को देखिए, ईरान को देखिए, आप चाइना का रोल देखिए कि कैसे सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं, आपने देखना है कि उसमें वेयर डू यू स्टैंड। लेकिन आप अफगानिस्तान नहीं जाते, गए हैं बिलावल साहब, नहीं गए, आप इंडिया चले गए हैं, आपके पास हेजमनी क्या है कि जी अमेरिका आपको कहता है कि जी एल्डर ब्रदर है इंडिया, क्या आप उसको मान रहे हैं? वो कश्मीर के तमाम इश्यूज कहां गए? ये वो तमाम इश्यूज हैं कि जिसको ऑल्दो कि हमारा फॉरेन ऑफिस ही डील करता है, बट अगेन आई वुड से कि जनाब ये इसका हल ये नहीं है कि जनाब हम समझे कि जी अगला वजीर आजम वो होगा, लेट द पीपल डिसाइड, और जनरल इलेक्शन नहीं हुए तो फिर आपको यही बिलावल साहब भी नजर आएंगे, यही कोई और मौरूसी भी नजर आएगा, एंड देन अगेन वी आर डूम्ड, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कीड़े कुलबुला रहे हैं उन कीड़ों को कमेंट सेक्शन में उतार जाइए। लाइक टारगेट रख लेते हैं 12,000, पहुँचाई देना इतना तो कर ही सकते हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।